बच्चों देखो हम भिन्न पढ़ चुके हैं और अब हमको पहचान करनी है कि छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न कौन सी होती है। भिन्न का मतलब होता है बांटना या अलग करना। तो आप देखिए यहाँ पर दो भिन्न है, इसको क्या पढ़ते हैं? दो बटा पांच। इसको पढ़ते हैं तीन बटा पांच। कहने का मतलब दो बटे पांच का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दो चीजें हैं, दो चीज चीजें कितने लोगों में बांटी जा रही है? दो चीजें बांटो पांच लोगों को, बताइए यही मतलब है ना? यस। और इसका मतलब क्या है? तीन चीजें बांटो, तीन चीजें आप बांट दीजिए कितने लोगों में? पांच लोगों में। अब आप देखते ही पहचान लेंगे लोगों में कि आपके पास दो चीज है, आप पांच लोगों को दे रहे हो, और यहाँ तीन चीज है पांच लोगों को दे रहे हो, तो ज्यादा इन वालों को मिलेगा कि इन वालों को? तीन बटे पांच को ज्यादा मिलेगा ना। और जब ज्यादा इनको मिलेगा तो बड़ा कौन हुआ? तीन बटे पांच बड़ा हुआ। तो दो बटे पांच और तीन बटे पांच में से बड़ा कौन है? ये बड़े का निशान है कि नहीं? वो किधर खुलता है? जो एक और देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिख दिया 4/7 और यहाँ लिखा मैंने 5/7। ध्यान से देखिए, ठीक। तो आप 4/7 और 5/7 में कौन बड़ा होगा? आइए पीहू, यहाँ पीहू नहीं कोई और है, धीरे साहब आओ। 4/7 और 5/7 में कौन सा भिन्न बड़ी होगी? ये वाली भिन्न बड़ी। अब आप सबको बताओ क्यों बड़ी? क्योंकि अगर चार चीज है तो सात लोगों में बटेगी, तो कम कम में पांच चीज रहेगी और सात में बटेगी तो ज्यादा रहेगी। बस तो 4/7 का मतलब चार चीज सात लोगों को, 5/7 का मतलब पांच चीज सात लोगों को, तो कौन बड़ा? 5/7 बड़ा। लगा लीजिए, कोई दिक्कत? थोड़ा सा और बढ़ते हैं। अगर मैंने लिखा 7/3, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब एक दूसरा है। अब देखिए यहाँ 7/5 और यहाँ पर 7/4। अब क्या इसमें से पहचान सकते हो कौन सी भिन्न बड़ी है? यस मैम। कौन बताएगा? काजल आओ, आओ आप बताइए 7/5 और 7/4 में से कौन सा बड़ा है? 7/4 सही बताया? यस मैम। सही बताया, क्यों? यहाँ सात चीजें पांच लोगों को और यहाँ सात चीजें चार लोगों को, तो बड़ा कौन सा है? 7/4